स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह आज ऊना के सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर के पूर्व अध्यक्ष एसएम कटवाल द्वारा ठाकुर कौल सिंह के खिलाफ ऊना कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया हुआ है, जिसे लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री कोर्ट में पेश हुए। मामला 2004 का है, जब ठाकुर कौल सिंह आईपीएच मिनिस्टर थे और हरोली हलके में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए कौल सिंह ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एसएम कटवाल पर बयानबाजी की थी, जिसे लेकर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एसएम कटवाल ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटकाया था। इसी मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने आज सीजेएम कोर्ट में पहुंचकर अपने बयान कमलबद्ध करवाए। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट वीरेंद्र धर्माणी ने बताया कि एसएम कटवाल ने ठाकुर कौल सिंह के खिलाफ फौजदारी और दीवानी मामले दायर किए थे। आईपीएच मिनिस्टर थे ठाकुर कौल सिंह जी, तब ये हरोली कंस्टिट्यूएंसी के पहली बार स्थान पर आए, बार आए थे और जनसभा को संबोधन किया था। ये 2004 की बात है। उस समय उन्होंने एक बयान दिया था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और गुमर सरकार ने नौकरियां देखी हैं और अधीनस्थ चयन बोर्ड का इस्तेमाल किस पर्पज से किया गया सरकार द्वारा, जिस पर कटवाल जी ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। दो मुकदमे किए, एक फौजदारी और एक दीवानी। फौजदारी मुकदमा तो उनका आगे नहीं चला, नोटिस भी नहीं हुआ और वो पहले खारिज हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज किया और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल, अभी ऊना।